अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक मटीरिया मेडिका की रेमेडी के हवाले से है, और ये रेमेडी ऐसी रेमेडी है जिसके मरीज़ ज़्यादातर हमें नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग जो प्यार के अंदर इश्क के अंदर मुब्तला हो जाएं और उसके बाद किसी भी वजूहात की वजह से उनमें अलहदगी हो जाए, उनका आपस में जो रابطہ है वो ख़त्म हो जाए, तो इस रेमेडी के मरीज़ हमें फिर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बेशुमार अलामात हैं जो इस रेमेडी के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी अलामात हैं जो बड़ी प्रोमिनेंट बड़ी वाजे देखने को मिलती हैं। इस रेमेडी का नाम दोस्तों अग्नेशिया रेमेडी है। अग्नेशिया रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जिसको अक्यूट अमराज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए वो मज़मन अमराज यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर भी इसे इस्तेमाल करते हैं और अच्छे नतायज उन्हें मिलते हैं। दोस्तों, अगर अग्नेशिया की बात करें तो ऐसा मर्द औरत लड़का या लड़की जो मोहब्बत में मुब्तला हो, इश्क में मुब्तला हो और महबूब से जुदाई मिले, गम के बद असरात जो इंसानी जिस्म के ऊपर होते हैं उनके लिए अग्नेशिया बहुत ही मुफीद रेमेडी है। यानी कि लव डिसअपॉइंटमेंट, लव डिसअपॉइंटमेंट के अंदर इसको सबसे पहले याद किया जाता है। दोस्तों, ऐसे लोग जो इश्क के अंदर मोहब्बत के अंदर प्यार के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और उसके बाद जुदाई का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद जब जुदाई का सामना करना पड़े और उस लड़के या लड़की के अंदर या उस मर्द या औरत के अंदर जो असरात जो गम के बद असरात डेवलप करते हैं उनके लिए अग्नेशिया बहुत ही मुफीद रेमेडी है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात का इजाफा करता चलूँ कि मोहब्बत में बाज़ दफ़ा आपको किसी अपने किसी अजीज़ो अकारब जो आपके बहुत करीब इंसान होता है उससे मोहब्बत हो जाती है, आपका उससे अदब वाला रिश्ता होता है, अदब वाले रिश्ते के अंदर भी मोहब्बत हो सकती है कि आप उसको एक अच्छा मुकाम देते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आगे उसको एक बड़ा अच्छा उसका रुतबा रखते हैं, वो फौत हो जाए, वो वफात पा जाए और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी बड़ी अफिलिएशंस हों वो आपसे दूर हो जाए, उसके बाद जो असरात आपके जिस्म के ऊपर मरतब होते हैं वो अग्नेशिया रेमेडी को
अग्निशिया मेडिसन को मांगते हैं। दोस्तों, अग्निशिया की कुछ ऐसी अलामत हैं जो बड़ी ही अजीबोगरीब अलामत हैं, जिनकी बेस पर अग्निशिया रेमेडी को लिखना, प्रिस्क्राइब करना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की अग्निशिया पे बात करूं, तो अग्निशिया रेमेडी की जो औरतें होती हैं, वो अपना गम, अपनी परेशानी फिजिशियन से छुपाती हैं, कोशिश करती हैं कि अपना गम, अपनी परेशानी ना बताई जाए। अग्निशिया रेमेडी की मरीज़ें जो हैं, वो उनको कोई सदमा मिले, परेशानी मिले, तो वो उसको बर्दाश्त करती हैं, सहती हैं, ना के डिगर रेमेडीज़ की तरह वाह वेला शुरू कर देती हैं। अग्निशिया मरीज़ की जो औरत या जो मर्द होगा, वो उसको जब सदमा या परेशानी मिलेगी तो वो रोएगा, ठंडी आहें भरेगा, ठंडे लंबे लंबे सांस लेता है। जो मैंने क्लिनिकल दी देखा है, अग्निशिया का मरीज़ इतनी जल्दी अपने फिजिशियन को अपने दुख के बारे में, परेशानी के बारे में नहीं बताता, बल्कि जब उसकी दुखती रग के ऊपर हाथ रखा जाए, उंगली रखी जाए, तो वो खामोशी के साथ आंखों से आंसू टपकना शुरू कर देता है, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो लंबी सांस, ऐसे लंबी सांसें लेता है जो अग्निशिया की तरफ इशारा करती हैं। इसके अलावा अगर अग्निशिया की बात करें, तो इसकी कोई भी मर्ज हो, उसके पीछे गम के बद असरात, छुपा हुआ गम मौजूद होता है, जिसकी वजह से उसको जिस्म के ऊपर या बॉडी के अंदर डिफरेंट पैथोलॉजीज देखने को मिलती हैं। जैसे कि अग्निशिया का मिजाज जो है वो बदलता रहता है। अभी अग्निशिया का मरीज़ हंस रहा था, तो थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देगा। ये एक बड़ी अजीबोगरीब अलामत है, उसके मिजाज की तब्दीली इतनी जल्दी हो जाती है। अभी हंस रहा था, थोड़ी देर बाद रोना शुरू कर देगा। उसको महसूस होता है कि उसके गले के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, कोई गोला सा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसको निगलने में दिक्कत होती है। और हैरत वाली अलामत ये है, लेक्सिस की तरह उसको लिक्विड चीज़ें निगलने में दिक्कत होती है, और ठोस चीज़ों को बआसानी वो निगल जाता है। इसके अलावा अग्निशिया के मरीज़ों के अंदर हम हिस्टेरिकल कंडीशंस देखते हैं। अग्निशिया की जो औरतें होती हैं, उनके अंदर हिस्टेरिकल कंडीशन, हिस्टेरिया देखने को मिलता है। अग्निशिया के मरीज़ चाहे मर्द हो या औरत हो, उनको मेदे के अंदर हालीपन का एहसास होता है, किसी चीज़ की कमी का एहसास होता है, चाहे उन्होंने खाना खाया हो या कोई चीज़ इस्तेमाल की हुई है, कोई फ्रूट खाया हुआ है, उसके बावजूद उसको मेदे के अंदर हालीपन का एहसास रहता है। इसके अलावा दोस्तों, कानों के अंदर गूंज सुनाई देती है, जिसको गाना या गज़ल सुनने से सुकून महसूस होगा। इसके अलावा अगर इसकी खांसी की बात करें, तो वो एक दफ़ा खांसना शुरू करे तो खांसता जाता है,
उठ के चले फिरे तो खांसी ठीक हो जाती है, रुक जाए तो खांसी फिर स्टार्ट हो जाती है। अग्निशिया के मरीजों को कपकपी महसूस होती है, सर्दी लगती है, लेकिन उसके साथ ठंडे पानी की प्यास भी होती है। जब उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो प्यास बिल्कुल गायब हो जाती है। इसके अलावा मरीज के जब सुकून की हालत में होता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, सोते हुए स्नोरिंग खराटे लेता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, यानी कि अगर रूटीन में उसका चेहरा रेडिश है तो ब्लैकिश की तरफ हो जाएगा, ब्लैक कम्प्लेक्शन आएगी, येलोश कम्प्लेक्शन आएगी, चेहरे का रंग बदल जाता है। अगर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दोस्तों इसको बदहजमी वाली शकील अशिया को खाने से इसको सुकून महसूस होता है, उन गजाओं से आराम मिलता है। लतीफ़ और जो नरम गजाएं हैं उनसे इसकी बदहजमी बढ़ जाती है। यह भी एक अजीबोगरीब अलामत है इसके अंदर जो पाई जाती है। इसको शहवत रिक्शन बहुत तेज़ होती है, लेकिन नामर्दी पाई जाती है। रिक्शन बहुत आती है लेकिन जब मुबाशरत के लिए करीब जाते हैं तो शहवत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नामर्दी आ जाती है। ये भी बड़ी एक अजीबोगरीब अलामत इसके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा तंबाकू के धुएँ से सख्त नफरत और उसकी वजह से जुमला अलामात की पेचीदगियों के अंदर इजाफा हो जाता है। पुराने मलेरिया के जो केसेस होते हैं उनके अंदर अग्निशिया को बड़ा ही मुफीद पाया गया है। क्यूट केसेस के अंदर नेट्रम्योर डिगर रेमेडीज़ आ जाती हैं, लेकिन अग्निशिया के पुराने केसेस के अंदर मलेरिया के पुराने केसेस के अंदर अग्निशिया को बड़ा मुफीद पाया जाता है। इसके अलावा मज़ीद बात करें तो रेक्टल पोलिप, मकद का बाहर निकल आना, स्टूल पास करते हुए, पहाना पास करते हुए, पहाने वाली जगह का बाहर निकल आना अग्निशिया के अंदर पाया जाता है। अग्निशिया के अंदर इस चीज़ को पाया जाता है जिसको रेक्टम पोलिप कहते हैं या एनस पोलिप कहते हैं। स्टूल पास करने के बाद वो पोलिप दोबारा अंदर चला जाता है। इसके अलावा इसको शदीद सर दर्द होता है और इस सर दर्द को जब मरीज़ बारहा पेशाब करता है, बार बार पेशाब करता है तो सुकून महसूस होता है। इसके अलावा पहाने की थोड़ी थोड़ी और बार बार हाजत होती रहती है। इसके अलावा मज़ीद अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने अग्निशिया के मरीज़ों को बहुत ज़ुम्मादार पाया है। अग्निशिया का मरीज़ अपने तमाम फ़राइज़ बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है और बग़ैर गिला किए, बग़ैर कोई शिकायत किए उनको करता रहता है। उसके अंदर डिल्यूजन पाया जाता है कि वो ज़ुम्मादार है, वो एक ज़ुम्मादार फ़र्द है या मर्द है या औरत, एक ज़ुम्मादार औरत है। अगर वो शिकायत या गिला करेगा तो उससे उसकी फैमिली के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगी, उससे उसकी फैमिली के अंदर ख़राबी पैदा होगी। वो अपने आप को ज़ुम्मादार समझते हुए, अपना ज़्यादा फ़र्ज समझते हुए किसी किस्म के गिले से, शिकायत से गुरेज करता है। किसी के बेटे के, शोहर के या आशिक के छोड़ जाने पे
वो गिला नहीं करता, उनके वफा इन तीनों में से किसी के फौत होने पे वो अपने गम को छुपाने की कोशिश करता है और रोता है, और बैठे बैठे अचानक से रोना शुरू कर देता है। वो अपना गम छुपाना भी चाहता है, और जब बैठे बैठे रोता है तो थोड़ा सा उसका इजहार भी कर देता है, जो अग्नीशिया की तरफ या अग्नीशिया को प्रिस्क्राइब करने में अहम मदद मिलती है। वो कोशिश करता है कि उसकी परेशानी, उसका गम, उसकी तकलीफ किसी को ना वो बताए। अचानक से रोने के दौरे पड़ते हैं, बैठे बैठे रोना शुरू कर देता है, और फिर घंटों वो रोई जाता है, रोई जाता है, और ठंडी सांसें, ठंडी आहें बरता रहता है, लंबी लंबी ठंडी सांसें लेता है। दोस्तों, अग्नीशिया को क्यूट अमराज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्रॉनिक अमराज के अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। बल्कि मुझे मेरे एक उस्ताद मोहतरम का केस याद आया, उन्होंने 10 साल पुराना केस था, उसमें अग्नीशिया को अप्लाई किया और ब्यूटीफुल उनको रिजल्ट मिले और वो मरीज़ा बिल्कुल ठीक हो गई थी। दोस्तों, मटीरिया की जो रेमेडी हो, जो बिल मिसर रेमेडी हो, और मरीज़ उसके अंदर फाल कर रहा हो, तो इससे कती नज़र हो के आया कि वो अक्यूट में इस्तेमाल करनी चाहिए कि क्रॉनिक में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर बिल मिसल दवाई अग्नीशिया आ रही है, नेट्रम्योर आ रही है, जो भी आ रही हो उसको इस्तेमाल किया जाए, तो वो ब्यूटीफुली मरीज़ को ठीक कर देती है, ब्यूटीफुली मरीज़ उससे ठीक हो जाता है। जो बुक्स के अंदर हमें चीज़ देखने को मिलती है, उसमें अग्नीशिया को अक्यूट दर्जे में रखा गया है, अक्यूट अमराज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा क्लिनिकली हम देखें तो अग्नीशिया को डिफरेंट राइटर्स ने लिखा भी है कि क्रॉनिक केसेस के अंदर भी बड़े खूबसूरत रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके अलावा नेट्रम्योर को अग्नीशिया की मुजमन रेमेडी माना जाता है, कि अग्नीशिया के असरात या अग्नीशिया रेमेडी प्रिस्क्राइब करें तो जितना वो मरीज़ को ठीक कर सकती थी कर लिया, उसके बाद फर्दर बेहतरी रुक जाए तो नेट्रम्योर का इस्तेमाल किया जाए। नेट्रम्योर उसकी मुजमन दवाई है, मरीज़ के अंदर मज़ीद बेहतरियां आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग जिनके असाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं, जिनको असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लाहक हो जाए, तो उनके अंदर अगर अग्नीशिया इस्तेमाल की जाए और अग्नीशिया एक ख़ास मुद्दत तक काम करके उसके बाद मज़ीद बेहतरी ना ला सके, तो उनके अंदर एसिड फास को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। वहाँ पे एसिड फास एज ए मुजमन दवा के तौर पर काम करती है, वहाँ पे फिर एसिड फास रेमेडी प्रिस्क्राइब करने से मरीज़ के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। दोस्तों, अग्नीशिया को गम के बद असरात महबूब का छोड़ देना, उससे तल्लुक ख़त्म हो जाना, दूरी हो जाना, उसके अंदर तब इस्तेमाल किया जाएगा जब मरीज़ अपने गम को छुपाए, अपने गम को किसी के साथ शेयर ना करे और खामोशी के साथ रोए, रोने के साथ साथ ठंडी आहें भरे, तो अग्नीशिया रेमेडी बनती है। दोस्तों, उसके अलावा अग्नीशिया का मरीज़ इंतहाई ज़िम्मेदारी और उसके अंदर डिल्यूजन पाया जाता है कि वो एक ज़िम्मेदार घर का फ़र्द है। दोस्तों, ये अग्नीशिया के हवाले से छोटी सी हमने उसके डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। जो दोस्त हमें मशवरा देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होता है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा
जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली हमारी हर नई मुफीद वीडियो आपको बर वक्त मशहूल हो सके। शुक्रिया।